नमस्कार, मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कली से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कली से समाचारों में प्रमुख है। संत पिता फ्रांसिस ने कहा, यीशु भले चरवाहे के रूप में हर एक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। भारत में संक्रमणों के बढ़ते हालात पर यूएन ने जताई गहरी चिंता। सर्दी खांसी होने पर हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं, 90% मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में भी किया जा सकता है। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने कोविड-19 के प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। रेडियो वेरिटास एशिया के पूर्व निर्माता डॉक्टर जोस का देहांत। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता फ्रांसिस ने कहा, यीशु भले चरवाहे के रूप में हर एक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। वाटिकन स्थित संत पेट्रोस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 25 मार्च को संत पिता फ्रांसिस ने विश्वासियों के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, पास्का के चौथे रविवार, जिसको भले चरवाहे का रविवार कहा जाता है, सुसमाचार पाठ में यीशु को एक सच्चे चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करता है जो अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं। यीशु भले चरवाहे के रूप में हर एक व्यक्ति की रक्षा करते हैं, उन्हें जानते हैं एवं प्यार करते हैं। भारत में संक्रमणों के बढ़ते हालात पर यूएन ने जताई गहरी चिंता। देश के अनेक राज्यों में बिगड़े हालात के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम जवाबी कार्रवाई और टीकाकरण अभियान में सरकारी एजेंसियों की मदद कर रही है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम ने भारत में संक्रमणों, बढ़ते मामलों व मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि देश में हालात जटिल है। मैं भारत में हर किसी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न प्रकार की कार्रवाइयों की जरूरत होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश में पोलियो, टीबी और अन्य टीकाकरण अभियानों से जुड़े 2,500 से ज्यादा कर्मचारियों की फिर से तैनाती की गई है। इसका मकसद देश के कोरोना वायरस से प्रभावित प्रांतों को जरूरी मदद प्रदान किया जाना है। सर्दी खांसी होने पर हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं, 90% मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन से भी किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी के सामने संकट खड़ा कर दिया है। नए मरीजों और मौत के आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी बीच आम लोगों में कोरोना के लक्षणों और इलाज को लेकर अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर भी ये अपील कर चुके हैं कि केवल सर्दी खांसी को कोरोना मानकर अस्पताल की ओर दौड़ ना लगाएं। इसी तरह रेमडेसिविर की कमी की वजह यह भी बताई है कि जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है उन्होंने भी इसका स्टॉक कर लिया है। यदि आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के हर मरीज को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। करीब 90% मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन से भी किया जा सकता है। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने कोविड-19 के प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने कोविड-19 के प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है और कहा है, जंगल की आग की तरह फैलने वाले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मुंबई के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ओसवाल्ड ग्रेसियस ने देश में फैलने वाली महामारी से बचाने के लिए 7 मई को प्रार्थना और उपवास करने का आग्रह किया है। रेडियो वेरिटास एशिया के पूर्व निर्माता डॉक्टर जोस का देहांत। रेडियो वेरिटास एशिया के पूर्व निर्माता डॉक्टर जोस का कोरोना के कारण दुखद निधन हो गया। उन्हें कुछ ही दिन पहले इंदौर के एप्पल हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव होने के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया। उन्होंने कई सालों तक रेडियो वेरिटास एशिया के निर्माता के रूप में कार्य किया था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।